इन साथियों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, सभी साथी आ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। दोस्तों ऐप है, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये ऐप डाउनलोड कर लें। टीजीटी पीजीटी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, सो आप मात्र 1500 रुपये में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। जो भी हमारे साथी हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है। और दोस्तों जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो सभी साथी नोट्स जरूर मंगवा लें, ठीक है। हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दो पार्ट में ये नोट्स हैं, ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं। क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक भी शामिल इसमें की गई है, क्रमबद्ध रचनाएं भी इसमें हैं, ठीक है। तो जिनको भी ये नोट्स मंगवाना है बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए, कई पुस्तकों के निचोड़, ठीक है। और दोस्तों जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं जिनको भी दोस्तों मॉडल पेपर लेना है वो मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं मात्र दोस्तों 599 रुपये में, ठीक है। ये दोस्तों याद कर लेना 599 मॉडल पेपर। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है टीजीटी पीजीटी वाले साथी वो बिल्कुल भी ना चूके अभी से, ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, अध्ययन कर सकते हैं। व्याकरण, भाषा विज्ञान, संस्कृत, हिंदी साहित्य डेली टेस्ट होता है, 100 प्रश्नों का एक डेली टेस्ट भी होता है दोस्तों, है ना। तो हमारे जितने भी साथी हैं वीडियो को लाइक कर दें और सभी मित्रगण दोस्तों इसे में एडमिशन ले सकते हैं। और एक दोस्तों ये 3000 क्वेश्चन की एक दोस्तों ये पुस्तक, ये नोट्स लॉन्च किए गए हैं जिसमें हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के 3000 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3000 क्वेश्चन की है, जिनको भी मंगवाना है वो नीचे नंबर चल रहा है उस नंबर पे 599 फोन पे करके स्क्रीनशॉट और दोस्तों पूरा पता दें, एक सप्ताह में ये जो बुक है 3000 प्रश्नों की आपके घर पहुंचेगी, ठीक है। तो जिनको भी मंगवाना संपर्क करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, यहाँ पर देखते हैं भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर भी कर दें फटाफट से। भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है क्या, है ना, छंदोग उपनिषद, या फिर दोस्तों आपको बताना है बृहदान्त्रक उपनिषद या फिर कठोपनिषद में कहां मिलता है, चयन करिए और लाइक जरूर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दें। भक्ति काल का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो कहां मिलता है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग लाइक करेंगे, हमारे सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस में रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है। और आपका उत्तर है कि सर भक्ति काल का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है भक्ति का वो मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में, यानी आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट है, श्वेता श्वेतर उपनिषद, ठीक है, बहुत बढ़िया। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कथन किसका है बताओ, ये कथन बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और जल्दी से दोस्तों शेयर कर दें फटाफट से, शेयर कर दें। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कथन किसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है यहां पर, बताएं शुक्ल जी का है, राम कुमार वर्मा जी का है या फिर किसका है, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार। 2 नंबर का क्वेश्चन है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, सभी लोग बताएंगे, प्रवीण कुमार जी बता रहे कि सर ये कथन है राम कुमार वर्मा का, यानी आपका राम कुमार वर्मा का नहीं दोस्तों शुक्ल जी का है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही, ठीक है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति, भक्ति ये कथन किसका है, शुक्ल जी का, ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, भक्ति काल को बिजली की चमक के समान किसने बताया, वेरी गुड आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन है प्रेमचंद्र जी, भक्ति काल को बिजली की चमक की तरह किसने बताया है, एक अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। भक्ति काल को बिजली की चमक के समान किसने बताया है, और बहुत सारे लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बताइए जल्दी से, राइट आंसर जा रहा कि सर भक्ति काल को बिजली की चमक की तरह, चमक के समान बताया किसने, उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, यानी बी नंबर आपका सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन राइट आंसर। भक्ति काल को ईसाइत की देन किसने कहा, ईसाइत की देन बताना है बताइए, जॉन गिलक्राइस्ट, स्मिथ, तासी या फिर ग्रियर्सन ने, ईसाइत की देन किसने माना है, 4 नंबर का, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इतना बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों,
सभी लोग बताएंगे और एक बार शेयर भी कर देना फटाफट से। भक्ति काल को इस आयत की देन किसने माना, लाइक कर दो जल्दी से और शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी। और सभी का आंसर जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे सभी लोग, वेरी गुड। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, जल्दी से लाइक करो। चार नंबर का क्वेश्चन, वीडियो को शेयर भी कर देना। चौथे का उत्तर जा रहा कि सर गिरियर्सन लगा दो, भक्ति काल को ईसाइत की देन मानने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान है गिरियर्सन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक करके शेयर करो, भक्ति काल को इस्लाम की देन बताने वाले विद्वान। पांच नंबर, इस्लाम की देन किसने बताया, श्वेता जी, प्रेम जी बताइए, अनुज जी, गूगल बाबा शेयर कर देना। और इस्लाम की देन किसने बताया है बताएं जल्दी से। सिद्धार्थ जी इसी पर पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया है। ये भी तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सेकंड ग्रेड में आएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। भक्ति काल को इस्लाम की देन बताने वाले विद्वान कौन है, पांच नंबर का क्वेश्चन है। पांच नंबर के क्वेश्चन में आपको बता है कि सर इस्लाम की देन, इस्लाम की देन बताया किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। डी नंबर सही है, डी नंबर लाइक। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लाए जाते हैं यहां पर। किसने भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति से जोड़ा है, पराजित मनोवृत्ति से किसने जोड़ा है, चयन करिए, शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर किसने। छह नंबर का क्वेश्चन है, चयन करें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। किसने भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति से जोड़ा है, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दो विकल्प आपके सामने हैं, उसी में से आपको उत्तर बताना है, चयन करना है। किसने भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति से जोड़ा, एक अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करें जल्दी से। और यहां पर राइट आंसर जा रहा कि सर छह नंबर का क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, शुक्ल जी लगा देना, ये नंबर आप सही लगा देना। शुक्ल जी ने दोस्तों पराजित मनोवृत्ति से जोड़ा है, शुक्ल जी, ये नंबर, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। सुनैना जी, रीता जी, न्यू अकेडमी जी, बहुत अच्छे आंसर बता रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति काल के बारे में फटाफट पढ़ेंगे हम, यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी साहित्य 12 आने वैसा ही होता जैसा कि आज है। एकतन किसका है बताओ, एकतन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राम कुमार वर्मा गुलाब राय या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। बहुत अच्छे अच्छे कथन यहां पर पूछे जा रहे हैं आपसे, यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी साहित्य का 12 आने वैसा ही होता जैसा कि आज है। एकतन किसका है, एकतन किसका है, चयन करिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, शेयर जरूर करिए, शेयर करिए। इतना बढ़िया क्वेश्चन, सात नंबर का क्वेश्चन है, सात नंबर के क्वेश्चन में, और सात का उत्तर जा रहा है आपका, यदि इस्लाम भी ना आया होता तो भी साहित्य का 12 आने वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो आपका उत्तर है कि सर कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट। ठीक है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, आठ नंबर, स्वाभाविक बताइए, स्वाभाविक विकास किसने माना, चयन करिए आठ नंबर के क्वेश्चन में, वीडियो को लाइक भी कर दो। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, किसने माना है, गिरियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, और फिर आपका सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी सी नंबर, वेरी गुड। संत मत के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, संत मत के प्रवर्तक, नौ नंबर का क्वेश्चन, विकल्प अनुसार उत्तर बताना। श्वेता जी बताइए, मनु देसवाल जी, आनंद जी, संत मत के प्रवर्तक कौन है, शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य की 3000 प्रश्नों की दोस्तों ये टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉपिक वाइज प्रश्न दिए गए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस प्रकार से, ठीक है, तो वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। साथ ही व्याकरण के भी टॉपिक वाइज हैं, ठीक है। तो संत मत के प्रवर्तक आपने उत्तर बताया है, राइट आंसर है कबीर, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, कबीर राइट है। कबीर के माता का, कबीर की माता का नाम क्या था, कबीर की माता का नाम बताना है, नीरू थे, नीरू, नीमा, लोई या फिर लोना, कबीर की माता का नाम। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और लगभग सभी लोग बताएंगे, रंजीत जी बताइए, पार्वती कुमारी, और आपका 10 का उत्तर बिल्कुल सही चला गया कि शरीर की माता का नाम था नीरू की नीमा। बताइए
10 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बता रहे हैं कि सर इनकी माता का नाम पूछा है, तो इनकी माता का नाम था नीमा, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है, 10 नंबर में बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका जा रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जा रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कबीर किसके समकालीन थे, कबीर किसके समकालीन थे, सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना। कबीर किसके समकालीन थे, बाबर, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर औरंगजेब के? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, सभी लोग शेयर करेंगे। और सभी को पता है कि सर कबीर जो समकालीन थे वो थे सिकंदर लोदी के, ठीक है। ये नंबर आपका सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है, लोई पत्नी, ठीक है, ये नंबर राइट। कौन अद्वैतवादी संत कवि नहीं है, अद्वैतवादी संत कवि कौन नहीं है, कबीर, नानक, मलुकदास या फिर दादू? बताएं बाल गोविंद जी, कौन अद्वैतवादी संत कवि नहीं है? एक अच्छा नफीसा जी, रागनी जी, अद्वैतवादी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। 12 नंबर का क्वेश्चन है, और अद्वैतवादी संत कवि कौन नहीं है, मलुकदास, नानक, कबीर या फिर दादू? इसी नंबर पे फोन पे करना सरबजोत जी। आपका उत्तर है कि सर ये जो नानक हैं ये अद्वैतवादी संत नहीं हैं, तो आपका उत्तर बी नंबर सही चला गया, बी नंबर। कबीर, दादू ये अद्वैतवाद से इनका संबंध है, कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन नानक यानी बी नंबर। कौन संत कवि योग साधना से प्रभावित हैं, योग साधना से प्रभावित कौन से संत हैं? शैलेंद्र जी बताएं, 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 का उत्तर बताना है, वीडियो को लाइक भी कर देना। और 13 मेरा का चक्कर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। योग साधना से कौन प्रभावित हैं, योग साधना से? राजकुमारी जी, उमा जी, और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक? सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। योग साधना से प्रभावित जो हैं वो कौन है, बताएं, चयन करें, वीडियो को लाइक करें। और योग साधना से प्रभावित थे कौन, कबीर जी, कबीर थे, बी नंबर सही है, बहुत बढ़िया, बी नंबर राइट आंसर लगा बैठे आप लोग, बिल्कुल सही आंसर लगाया है। और इसी प्रकार से पढ़ते रहना है दोस्तों, भक्ति को दक्षिण भारत से आया हुआ किसने माना है, 14, भक्ति को दक्षिण भारत से आया हुआ किसने माना है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। रोज अनिवार्य रूप से क्लासें आपको अटेंड करनी है दोस्तों, सभी लोग करेंगे। भक्ति को दक्षिण भारत से आया हुआ किसने माना है, किसने माना है, चयन करिए जल्दी से, और वीडियो को लाइक भी कर देना। आपका उत्तर जा रहा कि भक्ति को दक्षिण भारत से आया हुआ माना है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, 14 का उत्तर, और बिल्कुल सही है कि सर रामचंद्र शुक्ल ने, यानी बी नंबर आपका सही है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर, बहुत सरल क्वेश्चन सभी से बनेगा, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, हजारी प्रसाद, शुक्ल, ग्रियर्सन या फिर गुलाब राय ने? बताइए जगन जी, शेयर कर दीजिए दोस्तों, ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है और बंपर प्रश्न आप लोगों के लिए लाए जाते हैं, है ना। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देना, ये नंबर लगा देना जो कि बिल्कुल सही है, ये नंबर। कबीर की जीवनी का वर्णन किस ग्रंथ में नहीं है, कबीर की जीवनी का वर्णन किस ग्रंथ में नहीं है, किस ग्रंथ में नहीं है बताइए, नाभादास के भक्तमाल में, अनंतदास की कबीर परिचय में, आईने अकबरी या फिर गाथा सप्तसती में? कबीर की जीवनी का वर्णन किस ग्रंथ में नहीं है? नौ नया प्रश्न है दोस्तों, 16 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको याद रख लेना कि सर नाभादास के भक्तकाल भक्तमाल में है, आईने अकबरी में भी है, गाथा सप्तसती में भी है, लेकिन ये अनंतदास की कबीर परिचय इसमें दोस्तों क्या है, इसमें नहीं है, यानी कि आपका उत्तर जा रहा है बी नंबर, जीवनी का वर्णन, जीवनी।
अगला क्वेश्चन देखो, साकी शब्दी दोहरा कही कही नी उपखान और भगत निरूपा ही भगत कली निंदा ही वेद पुराण। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताएं, 17 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से चयन करना है। सत्रह नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, एक बार लाइक भी कर दें, चयन करें साकी शब्दी दोहरा कही कही नी उपखान, इसका चयन करना है। ठीक है, यहां पर वो दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा सा प्रश्न गड़बड़ है, ठीक है, इस गड़बड़ प्रश्न को अलग कर दो थोड़ा सा। 16 नंबर कबीर परिचय में तो दोस्तों परिचय है, कबीर दास का इसमें परिचय तो है, भक्तमाल में भी इसका परिचय मिलता है ना, आईने अकबरी में भी है, ये प्रश्न थोड़ा सा इसके विकल्प अलग है। 16 नंबर में साकी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान और भगत निरूपा ही भगत कली निंदा ही वेद पुराण, ये पंक्ति किसकी है, सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, चयन करें, वीडियो को शेयर कर दें फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएं, 17 का क्वेश्चन उत्तर जा रहा कि सर साकी शब्दी देहरा कही कही उपकान और भगत निरूपाई भगत कली निंदा ही वेद पुराण, ये जो पंक्ति आपने बताई है ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति बताइए, चयन करें, वीडियो को लाइक भी कर दें जल्दी से। 17 नंबर का उत्तर आपका चला गया कि सर ये तुलसीदास आपका सही है, तुलसीदास सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है, बी नंबर, ठीक है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामावत कौन सा आया था, इसाकी शब्दी दोहरा, मोहित जी कौन सा क्वेश्चन आया था, यहां पर पूछा गया आपसे कि साकी शब्दी दोहरा उसके बाद रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामावत संप्रदाय के राघवानंद रामानंद रामानुजाचार्य या फिर अनंतानंद, 18 में रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चयन करिए, सभी लोग बताएंगे, एक बार वीडियो को लाइक करें। रामावत संप्रदाय तो सभी को पता है कि सर रामानंद लगा दो, बी नंबर सही, रैदास का जन्म स्थान बताना है, सभी लोग बताइए रैदास का जन्म स्थान, चयन करिए जल्दी से। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रैदास का जो जन्म स्थान है वो पूछा है आपसे 19 में, तो इनका जन्म स्थान कहां पर है, चयन करें, और उत्तर है कि सर इनका जन्म स्थान हुआ था कहां, सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, शेयर भी कर दें हमारे सभी मित्रगण, और आपका सीधा सीधा उत्तर कहां जा रहा है, सीधा सीधा उत्तर बताना है, और एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, शेयर कर देना, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड जरूर कर देना, बनारस लगा देना, ये नंबर आपका सही है, ठीक है। कौन नानक की रचना नहीं है, कौन सी नानक की रचना नहीं है, नानक की रचना कौन सी नहीं है, नानक देव की रचना बताना है, नानक देव की रचना बताना है, जल्दी से बताओ। जपू जी है आशा दीवार रहिरास चंडी चरित्र, कौन सी नहीं है, और सभी को पता है कि सर जपू जी है आशा दीवार भी, आस दीवार रहिरास भी है,
लेकिन ये चंडी चरित्र नहीं है, यानी कि आपका उत्तर चला गया है डी की तरफ। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अंगबदु का संपादन किसने किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे अंगबदु का संपादन किसने किया है, अंगबदु का संपादन बताना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, और एक बार लाइक भी कर देना दोस्तों, हमारे जितने भी मित्रगण हैं सभी लोग। और अंगबदु का जो संपादन किया है, आपने उत्तर लगा दिया है कि सर वो किया है रज्जब ने, यानी कि सी नंबर। हरडे बानी में किसकी रचनाओं का संग्रह है, हरडे बानी में किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो हरडे वाणी में आपको बताइए कि सर हरडे वाणी में जो है किसकी रचनाओं का संकलन है। 22 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया दादू दयाल की, ये नंबर सही है। अब आपको अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, फटाफट से उत्तर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर भी कर दो। यहां क्वेश्चन आ रहा है आपके यहां पर, किसे राजपूताना का संत कहा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राजपूताना का संत किसे कहा जाता है, राजपूताना का संत बताना है, और एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर दे फटाफट से। चयन करना, राजपूताना का संत किसे कहा जाता है, राजपूताना का संत किसे कहा जाता है, गोरखनाथ, दादू दयाल, रज्जब या फिर कबीर को। 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, और बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का जवाब आ रहा है कि सर राजपूताना का संत कहा जाता है दादू दयाल, यानी बी नंबर दादू दयाल। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक का संपादन किसने किया, 24 में बीजक का संपादन बताइए। संगीता जी, वंदना जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें सभी साथी, वीडियो को लाइक भी कर दें। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक का संपादन किसने किया है, बीजक का संपादन किसने किया है, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 24 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे। कबीर की रचनाओं का जो संग्रह है वो बीजक, बीजक का संपादन किसने किया, 24 का उत्तर। और 24 में सभी लोगों ने आंसर बता दिया कि सर 24 में आप धर्मदास लगा दो, बी नंबर लगा दो, बी नंबर आपका सही है। रज्जब किसके शिष्य थे, रज्जब किसके शिष्य थे, वीडियो को रोकना नहीं, बिल्कुल शेयर भी कर देना दोस्तों सभी लोग। रज्जब किसके शिष्य थे सभी लोग बताएं। सभी लोग बताएं रज्जब किसके शिष्य थे। चयन करना है और वीडियो को लाइक भी कर दें सभी सभी जल्दी से। और रज्जब किसके शिष्य थे, सभी लोगों का आंसर आ गया है। 25 नंबर के क्वेश्चन में सभी ने बताया कि सर ये दादू के शिष्य थे, अंगबदु नाम से इन्होंने दादू की रचनाओं का दोस्तों क्या किया था, संकलन किया था। निर्गुण संत कवियों में कौन शिक्षित था, एक क्वेश्चन आया था आपका। और निर्गुण संत कवियों में सबसे शिक्षित पूछा गया आपसे, तो शिक्षित थे कौन, सुंदरदास, सबसे सुशिक्षित थे दोस्तों। ये आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन नहीं है बताएं, सुमेलित कौन नहीं है, वीडियो को लाइक भी कर देना। कौन सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया।
और देखो सुमेलित में द्वैतवाद, द्वैतवाद के कौन है मध्वाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद के यही है क्या सही बोले सर, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नहीं है पूछा है तो द्वैताद्वैतवाद के कौन है, द्वैताद्वैतवाद के तो निम्बार्क है, आपका उत्तर सी नंबर चला जाता है, ये आपका दोस्तों सुमेलित नहीं है, सी नंबर राइट आंसर है। रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही जान, चतुराई करी बहुत विधि वैसे बनाई आन, ये पंक्ति बताना है दोस्तों, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही जान, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आन, ये पंक्ति बताना है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है, वीडियो को लाइक भी कर देना, सभी लोग शेयर करें। ठीक है, चयन करना है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, 28 नंबर का क्वेश्चन है, 28 नंबर के क्वेश्चन में और आपका उत्तर जा रहा है, कौन कौन सही बता रहा है, यहां पर सही आंसर बताना है और लाइक जरूर कर देना दोस्तों। 28 का उत्तर चला गया कि सर ये रसिक प्रिया रसमंजरी सुंदरदास की पंक्ति है, यानी आपका सुंदरदास बी नंबर बिल्कुल सही चला गया। सुखमनी किसकी रचना, सुखमनी रचना बताना है दोस्तों, वहां पर जो अपन प्रश्न छूटा था उसमें आप गाथा सप्तसती लगा देना, गाथा सप्तसती में कबीर के जीवन जीवनी नहीं है, गाथा सप्तसती में है ना, गाथा सप्तसती लगा देना उसमें, ठीक है, गाथा सप्तसती जो डी नंबर का प्रश्न है उसमें गाथा सप्तसती आप लगा देना। सुखमनी किसकी रचना है, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु अंगद, 29 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग एक बार लाइक भी कर देना, शेयर कर देना फटाफट से, 29 में सुखमनी किसकी रचना है, सुखमनी बताना है, सुखमनी बताइए गुरप्रीत जी, ममता रानी जी, 29 नंबर के क्वेश्चन में, और एक बार लाइक भी कर देना, सुखमनी किसकी रचना है। और सपना जी ने बताया कि सर सुखमनी जो रचना है वो गुरु अर्जुन देव की है, अर्जुन देव यानी आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर। कुबेर माझी जी बहुत बढ़िया आंसर, निर्गुण संत काव्यधारा में महिला साधिका थी तो कौन थी, महिला साधिका निर्गुण में राबिया साबिया या फिर साहिबा या फिर दोस्तों लोपा मुद्रा, निर्गुण संत काव्यधारा में महिला महिला साधिका कौन थी, महिला साधिका बताना रागिनी जी, और एक बार लाइक कर दो जल्दी से। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना दोस्तों हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में आप एडमिशन ले सकते मात्र 1500 में, ठीक है, एक साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। निर्गुण संत काव्यधारा में महिला साधिका थी, 30 नंबर का क्वेश्चन है, और 30 नंबर के क्वेश्चन में आपका जा रहा है, क्या जा रहा है बताओ, कौन थी संत काव्यधारा में, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर राबिया लगा दो, कुछ लोग बता रहे हैं कि सर लोपा मुद्रा लगा दो, ठीक है, लेकिन आपका उत्तर चला गया राबिया, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, 30 नंबर का क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है, 30 नंबर में आपका जो दोस्तों उत्तर चला गया वो ए है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर आता है दोस्तों, कौन असत्य है, कौन असत्य, राजस्थान भीषण, बिहार दरिया साहब, मध्य प्रदेश सुंदरदास, उत्तर प्रदेश सहजो भाई, जल्दी से चयन करिए, वीडियो को लाइक भी करिए फटाफट से। तो यहां पर आपको बताना है कौन कहां से संबंधित हैं, 31 नंबर के क्वेश्चन में असत्य बताना है, असत्य, और असत्य में आपके ने चयन किया है कि मध्य प्रदेश से सुंदरदास, ए असत्य है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका उत्तर जा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संत कवि कवित्व और सवैयों में रचना करता है, कौन सा संत कवि, कौन सा संत कवि कवित्व और सवैयों में,
और यहां पर आ जाओ, यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहां पर आप सही कर लो इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को सही कर लेना है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर। निर्गुण संत काव्य धारा में महिला जो शादी का पूछा है वो दोस्तों बाबरी साहिबा, ये बाबरी लिखना था यहां पर, बाबरी साहिबा है ना, ये राबिया सूफी काव्य धारा की है। राबिया क्या है इसको सुधार लो थोड़ा सा, ये जो राबिया है राबिया सूफी काव्य धारा की है राबिया, और ये बाबरी साहिबा जो यहां पर साहिबा बस दिया है, बाबरी साहिबा है संत काव्य धारा की, ठीक है, बाबरी साहिबा याद कर लेना, ठीक है। तो ये सी नंबर आप लगा देना, राबिया सूफी काव्य धारा की है और साहिबा यानी बाबरी साहिबा, ठीक है, सी नंबर लगा देना, सी नंबर ही आपका सही होगा, ठीक है। यहां पर आते अगले क्वेश्चन की ओर जाते, कौन सा संत कवि कवित्व और सवैयों में रचना करता था, 32 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लें, ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं यहां पर, सभी लोग बताएंगे, चयन करिए कौन सा संत कवि कवित्व सवैयों में रचना करता था, सभी लोग बताएंगे, लाइक करना है और सभी लोगों को 32 नंबर के क्वेश्चन में शेयर भी कर दो दोस्तों। यहां पर आपका उत्तर है कि सर कवित्व सवैयों में रचना करते थे, संत कवि की बात आ रही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और उत्तर है आपका संत कवि कवित्व और सवैयों में रचना करता था वो है सुंदरदास, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है, सुंदरदास आपका राइट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने बताना दोस्तों, ठीक है, आचार्य शुक्ल ने, क्वेश्चन नए भी है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़े नए भी हैं आपके लिए, भक्ति काल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है, सूफी काव्य धारा का शुक्ल ने पूछा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, शुक्ल ने पूछा है तो आपको बताया कि इन्होंने मृगावती को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना माना था। और कुतुबन की बात करें तो ए नंबर आप लगा दो, ए नंबर कुतुबन, ठीक है, सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि कुतुबन और इनकी रचना कौन सी थी, मृगावती, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान एक परंपरा का प्रथम कृति किसे माना, लाइक जरूर कर देना हमारे सभी साथी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान एक परंपरा की प्रथम कृति किसे माना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपने भक्ति काल में पढ़े हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको यहां पर नए नए देखने मिल रहे हैं, भक्ति काल में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए देखने को मिल रहे हैं, इन क्वेश्चन का अभ्यास जरूर करना है, कहीं भी अगर आपको डाउट्स लगता है तो क्लास के दौरान ही आपका सही करवा दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, और कोई क्वेश्चन अगर रह भी जाता है तो उसको हम बाद में भी क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका पूछा गया क्वेश्चन है तो आपको बताया कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात है तो सत्यवती कथा लगा दो, सी नंबर लगा दो, जो कि बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर। चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है, लोर कहा या लोर कथा किसने माना है, रामकुमार वर्मा ने, माता प्रसाद गुप्त ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चयन करेंगे कल्पना जी, लाइक जरूर कर देना, चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, 35 नंबर का क्वेश्चन है और 35 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है, सभी लोग बताएंगे कि सर लोर कहा या लोर कथा माना है माता प्रसाद गुप्त ने, यानी आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है, लोर कहा या लोर कथा माता प्रसाद गुप्त, मुल्ला दाऊद कहां के रहने वाले थे, लो अब ये पूछ लिया इन्होंने, मुल्ला दाऊद की रचना तो सभी को पता है कि सर चंदायन है, अब मुल्ला दाऊद कहां के रहने वाले थे ये पूछ लिया, तो मुल्ला दाऊद जो रहने वाले थे बताइए किसको, किस किस को पता है, कोई बताएगा, अब ऐसे कुछ नए प्रश्न पूछ लिए गए जो थोड़ी सी अलग है, लेकिन आपका उत्तर है गाजीपुर, यानी कि डी नंबर आपका सही है, ठीक है। जायसी किस कृति में कयामत का वर्णन है, जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है, क्वेश्चन बहुत बंपर है दोस्तों, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, कहीं कहीं मिस्टेक है, चिंता नहीं करो उसके लिए। जायसी के किस कृति में कयामत का वर्णन है, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्र रेखा या फिर कहरनामा। संगीता जी 37 का क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर देना, और आपका उत्तर कहां जा रहा है,
कि सर जायसी किस कृति की में कयामत का वर्णन है जायसी की कृति में? उत्तर है आखिरी कलाम, यानी बी नंबर, आखिरी कलाम तो सही है। शुक्ल ने जायसी कृत कितनी रचनाओं को माना है? जायसी की कितनी रचनाओं को माना शुक्ल ने? 38 नंबर। ऐसे नए क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने वाले। सभी लोग बताएं जल्दी से। वीडियो को लाइक कर देना। शुक्ल जी ने जायसी कृत कितनी रचनाओं को माना है? 4, 5, 3 या फिर 7। 38 नंबर के क्वेश्चन में लाइक जरूर कर देना। और जायसी कृत शुक्ल जी ने कितनी रचनाएं मानी हैं? कितनी रचनाएं मानी? उत्तर चला गया 3। 3 यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। 3 चला गया, बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है दोस्तों, जायसी किसके समकालीन थे? जायसी किसके समकालीन थे बताइए? 39 नंबर का बहुत ही बढ़िया आंसर आपसे पूछा गया है। लाइक जरूर कर देना एक बार फटाफट से। और जायसी किसके समकालीन थे, क्वेश्चन पूछा गया, शेरशाह के, बाबर, अकबर या फिर औरंगजेब के? वीडियो को लाइक कर देना। ये बुक नहीं है शशि त्रिपाठी जी, वो अलग है 3000 प्रश्नों की। जायसी किसके समकालीन थे, शेरशाह के, बाबर, अकबर या फिर औरंगजेब के? 39 नंबर। जिन क्वेश्चनों को आप छोड़ देते हो वो क्वेश्चन यहां पर आए हुए हैं। तो जायसी किसके समकालीन थे, सभी लोग बताएंगे। और उत्तर चला गया कि सर शेर शाह के समकालीन थे, शेर शाह सूरी, ए नंबर, शेर शाह है, ये शेर शाह है, ए नंबर बिल्कुल सही है। जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? बहुत बढ़िया आंसर। 44 नंबर का क्वेश्चन है, जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? किसी बुक में नहीं मिलने वाले ऐसे क्वेश्चन। 40 का उत्तर, आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? वीडियो को लाइक जरूर कर दो दोस्तों एक बार, और सभी लोग बताएंगे, शेयर कर देंगे। और आपका उत्तर चला गया कि सर इन्होंने बाबर, जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की? तो बाबर की, पी नंबर, बाबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, 41 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। पुस्तकों में कई मिस्टेक हो जाती है ना, उन मिस्टेकों को अपन को सुधार लेना है, कोई बात नहीं है, है ना। तो यहां पर कौन सही नहीं है? चंदायन, मुल्ला दाऊद, मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, जायसी, चित्रावली, उस्मान। 41 नंबर के क्वेश्चन में लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दीजिए। तो आपको बताया कि सर चंदायन ये तो मुल्ला दाऊद की है, मृगावती कुतुबन की ही रचना है, मधुमालती जायसी की है क्या? बोले सर नहीं। तो ये आपका आपका सी नंबर ए सही नहीं है, मधुमालती तो किसकी है, मंजन की, बाकी चित्रावली सही है। कालक्रम से सत्य बताइए, कालक्रमानुसार बताना दोस्तों, कालक्रम से सही बताएं, कालक्रमानुसार बताना है। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, मैंने आपको कई बार याद करवाई है इसकी रचनाएं, इसके सन भी याद करवाए दोस्तों। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां पर तो सबसे पहले आपको ये चंदायन ही दिख रही है, चंदायन है ना, चंदायन है, फिर मृगावती है, मृगावती हो गई, ठीक है, फिर आपकी पद्मावत और फिर मधुमालती, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले। देखो बहुत सारे लोग सी लगा रहे हैं, सी में क्या आएगा, पद्मावत पहले आएगा क्या, चंदायन बाद में लिखी गई क्या? आपका उत्तर आएगा ए नंबर, चंदायन का रचना काल बताइए और पद्मावत का रचना काल बताएं, फटाक से बताइए पद्मावत का रचना काल क्या है और चंदायन का रचना काल क्या है, बताएं कौन बता रहा है। रामकुमार वर्मा ने चंदायन को दोस्तों सूपी काव्य धारा की प्रथम रचना माना था, मुल्ला दाऊद की रचना है ना। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का अगर श्रेय किसी को है तो मुल्ला दाऊद को है ना। तो बताना है सूपी काव्य धारा की प्रथम रचना भी मानी जाती है दोस्तों चंदायन, 1540 से पद्मावत और 1379 है किसकी, चंदायन। तो आपका उत्तर क्या है, ए नंबर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर सत्य बताइए 43 में, शरीयत तरीकत, मैंने आपको याद भी करवाया था, ट्रिक भी बताई थी तेज प्रकाश जी, कौन सा सत्य है, सत्य बताइए, बहुत ही बंपर ट्रिक से अपन ने पढ़ा था, शरीयत तरीकत मारिफत हकीकत, तो क्या ट्रिक बताई थी किसी को पता है?
सर सरी ने तरी को हकीकत में मारी, सरी ने तरी को हकीकत में मारी, है ना। तो ये जो दोस्तों चार अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को क्रमबद्ध करने में क्वेश्चन आता है। सरी ने तरी को हकीकत में मारी, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर सही है। ये ट्रिक आपको मैंने बताई थी, बी नंबर सरी ने तरी को हकीकत में मारी। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन 44 में, मिस नहीं करना दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही गहराई से क्वेश्चन पूछे गए इसमें। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा, 44 नंबर का क्वेश्चन है, 44 का एक बार लाइक भी कर देना। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है, उत्तर बताना है, वीडियो को लाइक भी कर देना। और इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सभी साथी शेयर भी कर देना। और इस क्रमबद्ध अध्ययन के लिए दोस्तों आप लोगों को लगे रहना है, अध्ययन करना है, ठीक है। और आपका उत्तर यहां पर सही जा रहा कि सर रामानंद को आकाश धर्मा गुरु माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी कि आपका उत्तर 44 नंबर का उत्तर जा रहा है, कौन सा, सी नंबर सही है, सी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर। आलवार संतों में एक महिला संत थी, उन संत का नाम क्या है, 45 में, मनीषा जी बताएं, गुलशन जी। जिन भी साथियों को ये 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मंगवाना है दोस्तों, ये 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आप 599 में अपने घर पर मंगवा सकते हो। 500 की ये बुक है, 500 की बुक है और 99 पोस्ट चार्ज है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक सप्ताह में आपके घर पहुंचेगी। और जिनको भी गद्य साहित्य पद्य साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना है वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आलवार संत में एक महिला संत थी, उन महिला संत का नाम आपको चयन करना है। इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। और सभी का आंसर जा रहा कि सर उत्तर है वो थी कौन, आंडाल, या फिर इन्हें अंगोल या आंडाल भी कहा जाता है, याद रख लेना। बाबरी साहिबा संत काव्यधारा में थी, राबिया सूफी काव्यधारा में थी, है ना। आलवार संतों में आंडाल थी, इनको याद कर लेना, धीरे धीरे इन चीजों को पकड़ना है। उसके बाद कल इसके बाद अध्ययन करेंगे दोस्तों अष्टचाप में कौन नहीं है, अष्टचाप की स्थापना किसने की, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भव पंक्ति किसकी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं पुनि गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत पंक्ति किसकी है, ठीक है। कौन सी रचना ब्रजभाषा की है, सूर सागर में कितने स्कंद है, भक्तन को कहा सीख रही पंक्ति किसकी है। तो एक बढ़िया अध्ययन दोस्तों आपका यहाँ पर चल रहा है, अपने जितने भी और मित्र हैं सभी को लेकर के आए। एक दो प्रश्न में डाउट था तो वो भी प्रश्न अपन ने क्लियर कर दिए। अब तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है प्रश्नों में, अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हो क्लास के अंत में, कोई भी डाउट आपका हो आप बता सकते हो दोस्तों क्लास के दौरान, ठीक है। आज नहीं तो कल उसका जवाब हम आपको लेकर के आएंगे, हो सकता है कोई प्रश्न हमें पता ना हो तो हम आपको दोस्तों लेकर के आएंगे प्रश्न, है ना, उसका उत्तर ढूंढ करके लाएंगे। ऐसा भी हो जाता है कि कोई 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 चीजें नहीं पता होती, इंसान ही तो है, है ना। बहुत सारी हिंदी साहित्य अथाएं है दोस्तों, ठीक है, तो कई चीजें होती हैं जिनमें हमें भी डाउट्स हो जाता है। तो दोस्तों अगर कभी ऐसा लगे तो हमें बेझिझक बताना और हम दूसरे दिन आपके लिए उस प्रश्न का उत्तर लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है। पूनम जी, दारसू, मनीषा जी, रश्मि पाठक जी और अंकिता जी, सभी साथी हमारे साथी जुड़ते रहें और यहाँ पर सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। जिन भी साथियों को ये टीजीटी पीजीटी में कोर्स में एडमिशन लेना है मात्र 599 में, आप लोग एडमिशन लें, ठीक है। और जो जो भी साथी हैं जिनको भी दोस्तों ये नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के विस्तृत नोट्स आप मंगवा सकते, संपर्क कर सकते। सुनैना जी, सरोज जी, सुनील, गुरप्रीत जी, निष्ठा जी, है ना, बाल गोविंद, उषमा जी, बिंदु जी, शालिनी जी, शुभम जी, गुलशर जी, ठीक है ना, सुनील कुमार जी, ममता जी, सुनैना जी। सो जिन भी साथियों को ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों नोट्स बनाए गए हैं, 3000 इसमें क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, व्याकरण के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ₹500 इसका चार्ज है। इसी नंबर पर 9098 वाले नंबर पर फोन पे करना है और मुझे दोस्तों व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट और पूरा पता अपना देना है, ठीक है। एक सप्ताह में स्पीड पोस्ट से आपके घर ये बुक पहुंचेगी, बहुत ही बढ़िया है, है ना। और दोस्तों नीलम जी, स्वाति, दीक्षा जी, बिंदु, लता, प्रेम जी, अनीता जी, अनुज, ममता जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी, ठीक है, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। 9 बजे से क्लास होती है रोज रात्रि, सभी लोग पढ़ें, ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।